हे गाइज वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ कैरेटीन एंड बोटॉक्स तो बहुत सारे लोग कैरेटिन एंड बॉटोक्स करा के आते हैं और फिर बोलते हैं मेरा बाल खराब हो गया या फिर मेरे बालों में आफ्टर कैरेटीन और बोटॉक्स और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई हैं तो वो क्यों आती हैं किस लिए आती हैं इन टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ तो फर्स्ट जैसे कि सबको पता है कि दिल्ली का पानी कैसा है भाई तो दिल्ली का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मेटल बेस्ड है यानी कि मेटल बहुत ज्यादा है तो कोई भी ट्रीटमेंट क्या होता है आपके एक लेयर के ऊपर और लेयर्स मेंटेन करता है या बना देता है अब वो जैसे जैसे आपकी लेयर मेंटेन करता है और आप जैसे जैसे वॉश करते रहते हैं वैसे वैसे वो लेयरिंग हटती चली जाती है अब आपकी जब लेयर हट जाती है तो आपका जो भी बॉटोक्सैरिटिन या जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया होता है वो सब चला जाता है अब हम आते हैं सेकेंडरी बात पर कि इसको कैसे लॉन्ग लास्टिंग रखा जाए तो जब भी आप कैरे या बोटोक जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको शैम्पू कंडीशनर यूज करना चाहिए जो भी आपके हेयर ड्रेसर आपको रिकमेंड कर रहे हैं ऐसा होने से दो चीजें होंगी आपका जो भी ट्रीटमेंट किया हुआ है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपका बाल कभी भी डैमेज नहीं होगा सो दैट इज द थिंग अब आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी प्ले कर सकते हैं थैंक यू सो मच